डोमिनोज का खाना? नहीं 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 डोमिनोज का खाना कहेंगे उसको कमजोर? गले में खाना अटका दे रहे थे उसका, खाना निकल लेने दे रहे उसको, भाग कर आते हैं कमजोर कर दिए, जान ले रहे उसकी। इससे पहले बोला था ना नहीं रोकना उसका खाना, कौन रोक रहा है खाना, कौन रुका रहा वो, झगड़ो तेजी से, रोकेंगे बच्चे का दोबारा खाना वो, करेंगे उसको कमजोर, सारी दवा उसके पेट में की उल्टी में तो जुला उसको बाहर फेंकना, समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं, जोर से करेंगे अब दोबारा जादू उसके ऊपर करेंगे, जोर से करेंगे, दुबा कर जल्दी, बहुत जादू आ कर रहे हैं, करेंगे दोबारा काट दूं पूरा, करेंगे दोबारा गलती, अब लेंगे उसकी जान, कैसी दवा खिलाए थे उसको, जड़ी बूटी की क्या गलीज दवा, कौन सी है गलीज खिलाए थे, जबान सवाल, जुलाब में हो जैसा भी पॉसिबल हो लगा के बाहर निकालो उसकी दवा सारी, और मैं हुकुम दे रहा हूँ दोबारा दिखना नहीं उसके आंग में, पूरा काट के खत्म कर दूंगा नहीं तो, चल दबा दबा कर दे, करेंगे बच्चे को परेशान दोबारा वो, लेंगे उसकी जान, खाना रोकेंगे उसका, कमजोर करेंगे उसको, अब उसको घर के अंदर बिठा के रखेंगे, बाहर रोजी रोटी से लगाना सारी परेशानी, करेंगे बच्चे को कमजोर, शैतान की और जादू टोने की कोई ताकत नहीं अल्लाह के कलाम के सामने, देख अल्लाह के कलाम की ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं जादू टोने की अल्लाह के कलाम के सामने, बोल करेंगे दोबारा परेशान, नहीं करते नहीं करते नहीं करते, जादू की मिसाद ने कमी नो तुम्हारी, हमारे झोंके के गुनाह से डरता तुम्हारा जादू, बेगुनाह लोग देखा तेरे, तू जिसकी पूजा करता तू जिसको मानता है शैतान तक मेरे पास गुलाम है, सब गुलाम है कमी नो मेरे पास में, और मनवाने कर रहे तुम, करेंगे अल्लाह के बंदे को परेशान दोबारा, घर में बिठा के रखेंगे उसको, अच्छा उसकी कमाई में बरकत रो, वो रोकेगा उसकी कमाई की बरकत, कमजोर करेगा दोबारा, देखा ये हमारी ताकत है, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है, ये आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह है, कोई शैतान की ताकत नहीं चलने देता अल्लाह, देखा ना कैसी ताकत है, तो देखा देखा छोड़ दो जो जादू कर रहा उसके
उसकी तरफ पलट, छोड़ को पलटाओ ले जाते दो जादू कर रहा हूँ उसके तरफ, हमको फटके मारो नाला है वो कूद खाने में, रोक रहे उसका गल्ला बंदी गल्ला बंदी जबान, उसका मुंह खोल उसको खाने दे, अगर रोकेगा उसका खाना उसको कमजोर करा तो खत्म कर देता हूँ। मुझे नींबू काटने वाला समझा था उसको, बैठेगा उसके आर्म में घुस के दवा नहीं है अंदर सलामत, बाहर निकालो दवा को मार मार के पूरी। करेगा उसको कमजोर, नहीं 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 रोकेगा उसका खाना, नहीं रखता जान, नहीं सालों को सब कुछ खत्म कर दूंगा, मार दे बिंदास, मार दूंगा तो मेरे को छोड़ना नहीं, परेशान कर देता हूँ गया उन लोगों का। तुझे कहाँ से पकड़े थे? शमशान के कब्रिस्तान से। हाँ कहाँ से पकड़े थे? कब्रिस्तान से। मरे वाले इंसान की नस्ल से जिन्नात की? मरे वाले चल भाग छोड़ो छोकरे को, नहीं तो बहुत मारूंगा। अब इसके बाद अगर मेरे को दिखा तो तीसरी चक्कर में छोड़ूंगा, नहीं तो पूरा खत्म कर। चल मौका दे रहा हूँ निकल। ज्यादा खिला के छोड़े थे करे थे इस सेकंड राउंड में, फिर उसको हाजिर स्वास्थ्य कराना पड़ा, पकड़ के लाना पड़ा, तो उन्हें उसको खाना नहीं खान दे रहा था, उन्हें उसकी गले को रोक दिया, उसको कमजोर कर रहा था, उस घर में बिठा के रख रहा, बाहर नहीं जान दे रहा, और उसकी जान लेने वाले थे क्या थे, तो पहले जंजीरा डाल के पकड़ लिया था मैं सबको, और जो भी है इससे पहले के फर्स्ट राउंड में तो उसमें सब हाजिर है जो भी है, पूरी दास्तान किया था सेकंड राउंड में उसको हुक्म दिए कि जो जुल्म दे रहे जा जालिमों को खत्म कर, तू अगर खत्म नहीं करता तो तेरे को जंजीरा डाल के साथ में ले जाएंगे, जो तेरे को ले जा रहे साथ में, फिर उन्हों उसको देख लेंगे कैसा देखना है वो हमारे हिसाब से देख लेंगे फिर, क्योंकि जुल्म देने वालों को अल्लाह ने खुद फरमाया कि जुल्म देखना भी गुनाह है, जुल्म करना भी गुनाह है, और जुल्म का साथ देना भी गुनाह है। इसको बोलते इस्लाम, इस्लाम इज द ग्रेट चुक नहीं बोलते, क्योंकि पढ़ो थेरी इसको इस्लाम के बाद सवारी तो तुम्हें समझ में आएगा, और इंसानियत के भले के लिए उतरा अल्लाह की तरफ से जो दीन है दीन इस्लाम है। दूसरी बात क्या बोलते हैं, तो सबसे अहम मैं तुम्हारा ये बोलूँगा कि दूसरों के साथ कभी नहीं करना इबादत करना, और ये इसका जो मसला है ये दूसरे राउंड में डबल से लेना पड़ा मेरे को, क्योंकि उन्हें उसको कमज़ोर कर रहा था, फिर से कुछ तो भी हरकत कर रहे थे वो लोग। मैं जो बातें बताता हूँ उस पर अमल करना, कोई अपनी जब इलाज चलता उस दौरान कोई मेहमान के पास का कुछ खाना नहीं, कोई कुछ भेज के दे रहा तो भी नहीं खाना, क्योंकि ऐसा तो देता है फिर ऐसा क्यों भेज के दे रहा, कुछ मिला के शरारत करके बदमाशी करके शर फैलाने की हरकत कर दे लोग, क्योंकि शैतान के साथी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और अल्लाह वाले बहुत कम है दुनिया के अंदर। शुरू से देखो ना, इमाम हुसैन के साथ जितनी फौज थी वो अल्लाह वाली थी, और जो सामने से जो थे तो वो कितने ज़्यादा थे, तो वो सब बदमाश थे, शैतान के साथ यहाँ दिखावे की नमाज, दिखावे की कुरान, दिखावे की इबादत थी, वो सब जो भी थे यजीद यहाँ तो, और इधर की ओरिजिनल इबादत ओरिजिनल नमाज कितने लोग थे, तो ऐसा रहता दुनिया में कम रहते अल्लाह वाले, शैतान के साथ यहाँ ज़्यादा रहते, क्योंकि इबलीस और शैतान इंसान को ऐसा बहकाता पैसे से और बहुत सारी चीज़ें देखे करके, उन्हें बहुत सारे बातें रहते हैं कि आप तुम अपना अपना पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा। लोगों पिक्चर देख रहे तुम, गाने देख रहे तुम, सीरियल देख रहे तुम, टाइम पास कर रहे मोबाइलों में सौ से घंटे, तो तुम्हारा काम भी तो है,
कुरान भी पढ़ना, तफसीरें पढ़ना, हदीस पढ़ना, उसके साथ तारीख इस्लाम पढ़ना। अरे अकल के अंधो, तुम्हारा मालूम होना ना क्या है तुम्हारा दीन, दीन इस्लाम। बाल से बारीक स्टडी करते जाओ, कम से कम आधा घंटा तो स्टडी करो, तो तुम्हारे को फिर कोई बहका नहीं सकेगा। जितने फितना रंगे दौर के अंदर, ये फितने जितने फैले वाले है, ये कैसे कैसे फितने निकाल दिए लोगों ने, ये कैसे कैसे, माज अल्लाह, वो सादात नहीं है, वो सैयद नहीं है। उनका डीएनए ले जाकर टेस्ट कर लो, 100% फेल हो जाएगा। हजरत अली की औलादे, इमाम हसन हुसैन की औलादे, आले रसूल औलादे अली कभी दीन में बिगाड़ पैदा नहीं करते, कभी शहीद हो जाएंगे, अपने सर नेजों पे लगा देंगे और बता दिए तुमको करबला के अंदर, अपने सरों को पूरा घराना लुटा के नेजे पे लगा के, मगर दीन के अंदर बाल बराबर बिगाड़ पैदा करने करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने गए जाके शहीद हो गए, हार के भी जंग जीत गए, हारने का तो सवाल ही नहीं होता, जीत गए और ऐसे तरीके से जीते कि तुम सब लोग देख सकते हैं अल्लाह और उसके रसूल के शान में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने खून से तहरीक करके चले गए, खून से गवाही देकर गए, लिख कर गए खून से अपने के, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने खून से गवाही देकर गए। ये थे सादात, ये है सादात और ये है सैयद। मैंने बहुत सारे फितना रंगेज लोगों को देखा, जो बहुत सारे फिरके लेके आए वाले मार्केट में, जितने भी फिरका रंगेज लोग हैं, उनके बड़े बड़े जो जिनकी जो फिरका चला रहा, कमीना वो मलून, वो बदबख्त यहूदियों का गुलाम, तो फिरका परस्त का तुम पढ़ो, नाम क्या है, सैयद लगाते अपने नाम के आगे, वो कहा है कि सैयद, वो सैयद रहते, सैयद तुमको देखना है कैसे रहते, जाओ करबला का वाकया पढ़ो, तुमको पता चलेगा सादात और सैयद कैसे रहते। जाओ इमाम हसन की हिस्ट्री पढ़ो, हसन हुसैन की हिस्ट्री पढ़ो, उनके जितने बच्चे हुए इमाम जैनुल आबिदीन से, उनकी हिस्ट्री पढ़ो, ये थे सैयद। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां से यहां तक पहुंचे तक सब आप लोगों को तबलीग करके कलमा पढ़ा दिए, इसको बोलते थे रियल तबलीग। ये थे सादात। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को देखो, बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह को देखो, बाबा फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह को देखो, बहुत सारे वलिया में क्या बयान करूं। ये थे सादात कि आज भी जिनके दर पे ले जाके अल्लाह क्या बोलते, तो मैं बोलने वाली की नाक रगड़ने लगा था वहां पे, जब तुम्हारे पे जादू टोना चढ़ जाता ना, तो जब तुमको पता चलते कि सादात को क्या पावर दिया अल्लाह ने और क्या दास्तान है। ऐसे रहते रियल सादात, दीन में फितने डालने वाले, जमाते बांटने वाले, फिरका परस्त, हदीस कुरान को नहीं मानने वाले, ये नहीं रहते सैयदा। सैयद तो दीन के वास्ते अपनी जान दे दी अल्लाह उसके रसूल के वास्ते, क्योंकि बाप दादाओं पे ही बच्चे जाते। कुत्ते का बच्चा टांग उठा के कितना भी उसको टाइगर का कलर मार दो, लेके जाओ खंबे के पास, टांग उठा के पेशाब करेगा। और शेर के बच्चे को कितना भी तुम डॉग का कह का भी कलर मार दो और उसको छोड़ दो, बरोबर जाके शिकार करके ले जाएंगे मुंह पकड़ के, क्योंकि शेर का बच्चा है उसकी फितरत है, और कुत्ते का बच्चा है उसकी भोंकने की फितरत है, भोंकेगा, और ये दहाड़ने की फितरत है, इन्हें दहाड़ेगा क्योंकि शेर की नस्ल है। तो इसलिए जात जाति जात पे, दराती जाति खास पे, मेरी एक बात याद रखना, जो ओरिजिनल सादात है उन्होंने दीन के अंदर कभी बिगाड़, कभी फितना रंगे और कभी ऐसी हरकत करी नहीं सकती। बराबर भी कुरान के जेर को भी नीचे से हटा के जबर लगा दी, वो भी बर्दाश्त नहीं करते। तो वो रहते सादात, वो है सैयद, उनसे काम लिया दीन का, उन्होंने तो रियल तबलीग करे दुनिया के अंदर, पढ़ो तारीखें उठा के तुमको पता चलेंगी सारे। ये छोड़ दो नीचे की बात, ऊपर का ही बता दिया ना मैंने कि खून से गवाही दे के चले गए, मगर यजीद का हाथ पे बैठने करे, वो यजीद मस्जिदों में ढोल बजा रहा था, मस्जिदों में रक्कसों को नचा रहा था, शराब को क्या क्या कर रहा था, पढ़ो तुमको मालूम होता। मैं क्यों बोलूं तुम्हारा, हक और बातिल की जंग हुई, हक बातिल पे क्या बोलते तो जीत पाया, वो तुम सब देख सकते, तुम सब मालूम है वाकया, पढ़ो पता चलता। मगर दीन में उन्होंने बिगाड़ बर्दाश्त करे क्या, नहीं करे। वो है सादात, वो है सैयद, वो है आले रसूल और औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे रहते उनके बाप दादाओं का खून सादात, जो भी सैयद दुनिया में उनके नस्ल में, तो उनके बाप दादा का खून रहेगा ना। शेर का डीएनए लेंगे तो उसमें कुत्ते का तो डीएनए पाए नहीं जाएंगे तुमको, ना गिद्ध का डीएनए पाए जाएगा, जिसका डीएनए उसके अंदर ही मिलेगा। तो ये अब मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ बैठ के, जाओ जितनों ने फितने डाले इस्लाम के अंदर, उनके सबके डीएनए आज भी वो कम बख्ता बैठ के बोलते, उन्होंने बहुत सारे फिरके बांटे, बात कर मैं जमातों की बात नहीं, फिरकों की बात कर रहा हूँ, फिरके बांटे और अपने नाम, उनके नामा तो नहीं लूंगा मैं फिरकों के, मगर बता रहा हूँ फिरका, तुमको भी तो अखले अजीम है लोगों, उनको फॉलो करने वाले फिरका परस्त लोगों को, तुम्हारा आखिरत में क्या होगा, अल्लाह और उसके रसूल के सामने तुम फेर सकेंगे आखिरत में, तुमको जहन्नुम का हकदार बना देंगे फिरका परस्त अल्लाह की ना। अल्लाह अगर फरमा देगा जा तेरे फिरका परस्त वाले को ला, वो जिसकी तू तअज़ीम करता था दुनिया के अंदर ला उसको, उन्हें करता क्या तेरी सिफारिश, रिश देखेंगे सारे पैगंबर मोहताज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के लिए। हशर के दिन जब सरकार शफात करेंगे सब जन्नत में जाएंगे। मूसा के पास जाएंगे लोग तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे जाओ जाओ, मैंने एक इंसान को बुक्का मारा था, कामी को अल्लाह पकड़ के कुछ घेर लेता गया,
चलो आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे जाओ मियां अपना अपना देखो मैंने गंदुम खा लिया था, अल्लाह मेरे को वहां से पकड़ में लेता कि बोल के मैं फिकर में हूँ। तो इसलिए सब बख्शा के लिए अल्लाह के नूर के पास आते, सराफ अल्लाह का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़िस्सतुल अंबिया पढ़ो उसके अंदर तुमको पता चलेगा एक नूर के हिस्से से नूर निकल के खड़ा हुआ, वो नूर कितने हजार साल तक अल्लाह की तरफ हुकुम में था, किसका नूर था, फिर वो तो नूर से लेके सब कायनात बनाएगी और वो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। बहुत बाल से बारीक बातें, मगर मैं एक बात इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े सिटियों के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर ये देखा, फितनों को फॉलो करने वाले और उनका जो चीफ है जो फितना उनको फॉलो करने लगा रहा दिन में, वो बोलता कि मैं शर माज अल्लाह, उनके एक फितने वाले का बताता हूँ, उसका जो मेन चीफ है तो उन्हें करते शराब को अगर होठों को लगा दिया तो उसमें शराब हलाल हो जाती, करते पाक हो जाती, उसके होठ इतने पाक है कि वो गंदगी उसके होठों को, तो मैं बोला कुत्ते का गोभी तू लगा देते होठों को पाक हो जाएगा खा ले वो कमबख्त बदबख्त क्या बोलते, तो फितने फैला रहा इसके अंदर, ये बहुत सारे आ गए और आके उसको फॉलो भी कर रहे, उसका नाम तो बयान नहीं करूंगा, उसका पोतरों का दौर चल रहा है, पोतरे उसके हो तो उसके दादा की हिस्ट्री सुना रहा हूं मैं, उसके वो हिस्ट्री पे मैंने बयान करा, फिर तेरे होटो को कुत्ते का वो भी लगा तो पाक हो जाएगा, उसमें भी चॉकलेट छिना के खा जा कम बखत, हरामी जो हलाल हराम है वो हराम है, जो हलाल है अल्लाह के नबी पे हराम हलाल नहीं होता, तू क्या खाते तेरी क्या हिसाब है तेरे पे कैसा हराम हलाल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे बातें, ये फितने रंगेज लोग है और यहूदियों के गुलाम है और अपने आप को सादात बताते हो सैयद, जितने भी फितने डाले वाले वो अपने आप को सादात, वो सैयद नहीं है, वो सैयदों को बदनाम करने के वास्ते वो वैसे बिठाए वाले है, ओरिजिनल सैयद देखना है तो देखो जरा हिस्ट्रिया पढ़ो बुजुर्गान दीन के पता चलेंगे। और दूसरी बात सबसे अहम कि ये यहूदी करते चाल पढ़ना है बताऊं, ये यहूदी एक आलिम हाफिज मुफ्ती कारी बुखारी तैयार करते और उसको ऐसा बनाते उसको हुलिया देके, कोई झुब्बा पहन लेने से, कोई अमामा बन लेने से कारी मुफ्ती अल्लाह का वली नहीं बन जाता, कोई सर पे टोपी रखने से मुसलमान नहीं हो जाता, कोई सर को तिलक लगाने से हिंदू नहीं होता, ये सब बातें हैं समझो। उन्होंने क्या करते थे, गेम करते थे यहूदियों की चाल है वो आज भी चाल है, बनाते मुफ्ती खारी बहुत बड़ा ऐसा पढ़ने वाला कुरान पे हदीसों पे ऐसे दलील तफसीर देता हो तुम परेशान हो जाएंगे, तुम्हारे उलमा परेशान हो जाएंगे, और उसको भेज देते सैयद का लखब देखे, फिर उन्हें आ जाता झूठा और आके बोलता कि मैं ऐसा, कि लोग बोलते क्या दीन की नॉलेज है, क्या इबादत करता, क्या इसके तखवे है, अब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में ऐसा चिकाका था और आकर ऐसा कर रहा था कि क्या तखवे है, क्या परहेजगारी इसकी, बोल के लोग उसकी चर्चा करने लगे, क्या दीन का जानकार है, क्या हदीस का जानकार है, क्या कुरान का जानकार है, कि हर बात पर कितनी बड़ी तफसीर देता और अच्छे से दीन समझाता, बहुत उसकी चर्चा होने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भेष बदले और भेष बदल के आदमी उसके पास में पहुंचे, एक साधारण आदमी बन के आम इंसान जब वहां पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद उससे खाली एक ही सवाल करे कि ऐ शख्स ऐ बुजुर्ग शख्स बताओ मुझे कि मस्जिद अक्सा के बारे में क्या राय है तुम्हारी। तो शख्स ने कहा, वो शख्स ने कहा छोड़ दो अल्लाह के नाम पे, छोड़ दो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह बदला लेगा, अल्लाह बख्शने करेगा, अभी तुम सिर्फ इबादत करो। बोलते सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उठे, उठ के खंजर निकाले, उसको पटकी दिए टेबल पे, उसकी उंगली से काटे खच बोल के मारे उसकी उंगली पे, बोले अलग कर दी उंगली यहाँ की उंगली, और अलग करके बोले कि सुअर बोल तू कौन है, तू यहूदियों का जासूस या नसारा का जासूस है, क्योंकि तू हो ही नहीं सकता मुसलमानों का आलिम दीन या बहुत बड़ा अल्लाह वाला, बल्कि काट दिए उसने, जल्दी बोले तेरा गला चीर दूंगा, कि उन्होंने झट फरमाया कि हाँ यहूदियों ने भेजा अल्लाह जासूस हूँ कि मस्जिद अक्सा को मोमिन बंदों के दिल से आजाद करने का जो राय है उनके दिल दिमाग के अंदर जो जुनून है वो हटा के कम कर देना इबादत की तरफ, इबादत की तरफ ऐसा भटकाना, मतलब तो भटकाने के लिए तुम आपको फितने उनको पैसा दे के उन्हें भेजते, तो दुआ करो अल्लाह से कि फितनों से बचो ना, बचा दे बचा दे बचा दे, दीन की ईमान की दौलत की हर चीज़ की हिफाजत कर, हमारी आखिरत का जो सौदा है हमारा उसकी हिफाजत कर, अगर यहाँ दीन से तुम भटक जाएंगे तो आखिरत और लामहदूद जिंदगी में तुम भटक जाएंगे फिर इतने बुरे तरीके से कि तुम आप ले जाके जहन्नुम में डाल देंगे, होगा तुम्हारी गई आखिरत, क्यों अपने हाथों से अपना क्या बोलते तो आखिरत बर्बाद कर रहा है इंसान। तो अच्छा खा के भी और अच्छा नहीं खा के भी, कोई बहुत सारे बादशाह के टेबल पे बैठ के भी बादशाह खा रहा हजारों पकवान तो मरने वाला है, और फकीर सूखे टुकड़े भी खा रहा तो मरने वाला है, उसको अपने रब की तरफ कूच करना चाहिए। कुल्लु नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है, जो भी पैदा हुआ उसको मरना है, हर जवानी को बुढ़ापा है, दिन को रात है, सब खत्म होने वाला पानी है, पना होने वाली हर चीज, एक ना एक दिन वक्त आने वाला है, तो क्या मुंह बताएंगे अपने पाक परवरदिगार को, ऐसा बोलेंगे हम भटक गए थे उसकी इसमें हम भटक गए थे, जाओ उसके साथ पटरी मिलकर जाओ, वो तो यहूदियों के जासूस है। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ बैठ के, दावा करता हूँ उनके डीएनए टेस्ट करो, इमाम अली से इमाम हुसैन से 100% डीएनए नहीं मिलते, वो सैयद है कि नहीं,
सैयदा देखो कैसे रहते, ईमान और दीन के वास्ते अल्लाह उसके रसूल कहते मिट जाते, मिटा देते अपने आप को, उनको सादात और उनको सैयद बोलते, क्योंकि जात जाती जात पे दराती जाती, खांस पे जो खून के जो रगों में दौड़ता तो वही तो बाप दादाओं का, उनकी तो फितरत नहीं है ना अंदर, दीन के वास्ते कैसा फिर फितना वो कर सकते और कैसा फैला सकते। और तुम आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो ओरिजिनल सैयद है और जिसको अल्लाह अगर चुनता तो उसको भटकने नहीं देता, उन्हें भटकने की कोशिश करा तो उसके बशारत में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सारे बुजुर्गान दीन आके उसकी जब इस्लाह कर देते एक मिनट के अंदर। कि मैं तुमको बहुत सारे बातें इस वास्ते बता रहा कि मेरे ऊपर बहुत सारी दास्तान मैंने दुनिया को प्रैक्टिकल में बता दी, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, मगर इमाम अली हसन हुसैन ये जितने बुजुर्गान दीन हैं ये भटकने नहीं देते अपने बच्चों को, एक बार नहीं भटकने देते, एक बार फितना नहीं डालने देते दीन के अंदर। मामूली अगर दीन की राह से भटक के चपट जिप बोल के बशरत में आते और सब बातें बयान करके चले जाते कि यहाँ रॉन्ग हो रहा है, यहाँ रॉन्ग हो रहा है, इस्लाह कर देते उसकी। ये बातें हैं तुम्हारे को क्या मालूम रास्ते बातें, तुम्हारे उल्लू बना रहे, बेवकूफ बना रहे, फॉलो करो ये उसका बच्चा है उसका, अरे 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 बाप दादा के बच्चे बाप दादा पे जाते, बुरे जानवर के बच्चे दहाड़ नहीं सकते, कुत्ते के बच्चे भी दहाड़ नहीं सकते और बुरे जानवर के बच्चे भूख नहीं सकते, कुत्ता भूखेगा शेर दहाड़ेगा और बुरा जानवर डूडूरिच करेगा, इसलिए जिसकी नस्ल उसकी नस्ल रहती। तो दुनिया में भी इंसानों में भी वैसी बात है, जो फितना डाल रहा दीन के अंदर समझ जाना इसका डीएनए ना इमाम अली से मिलता, ना हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता, ना हसन अलैहिस्सलाम से मिलता, ना नबी के घराने से मिलता, समझ जाना ये शैतान का साथी है और ये झूठ मूठ का नाम लगा के आके हमारे दीन में बिगाड़ पैदा कर रहा। फौरी उसके हाथ बद्दुआ कर देना कि अल्लाह उसको फितना रंगेज इंसान को, फितने डालने वाले को, उसको फॉलो करने वाले जल्दी अगर हिदायत पे नहीं आए तो उनको गर्क करके हलाक कर दे। आखिर दावा अलहमदिल्ला बहुत सारे बातें बोलने के लिए, मगर मैंने इसलिए बोला कि बहुत मेन और अहम टॉपिक चल रहा है दौर का, मैंने देखा वही को बयान कर रहा हूँ।